तो गाइस ज्यादातर बड़े बड़े यूट्यूबर्स को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है कि उनके जो व्यूज है और रीच है ना, जो इम्प्रेशन है वो डाउन हो जाते हैं। सेम वही मेरे साथ हो रहा है इस पर। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग वीडियो। कैसे हो आप लोग, कमेंट करके जरूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्वाति में बता बोल दे रहा हूँ। खाना खाने के बाद चॉकलेट टॉफी खाने की किस किस की आदत है, कमेंट करके जरूर बताना। मेरी तो बहुत गंदी है। मैं खाना खाने के बाद मतलब कुछ ना कुछ मीठा जरूर खाता हूँ, आदत है मेरी। पता नहीं क्या है, मतलब ऐसा लगता है कुछ ना गंदा गंदा सा लगता है अगर कुछ मीठा ना खाऊं। जब तक कुछ मिल जाए, एक टॉफी मिल जाए, पर मिले जरूर। मैं चॉकलेट लेके आया हूँ 10 रुपए की, ये खाऊंगा। तो गाइस मैं सुबह सुबह बैठा हुआ था, तो ये हमारे गाँव के ही है, ये अपना ब्लॉग चैनल बनवाने के लिए लेके आए। ये ब्लॉग चैनल एडिट कर रहे हैं अभी, इनको मैंने सिखा दिया कैसे एडिट करते हैं और वीडियो बनाते हैं। अभी शायद ऊपर नहीं आएगा लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा, आ जाएगा। वैसे आपको मतलब कहाँ से वो हुआ है ब्लॉग चैनल बनाने का? ब्लॉग चैनल बनाने का जैसे सोचा मैंने कि रनिंग वनिंग करने जाते थे, दौड़ने जाते थे, ये वैसे खाली थे, ऊपर से इनको थोड़ा मतलब इंटरेस्ट भी था वीडियो बनाने के लिए, इसलिए इनको थोड़ा इंटरेस्ट था वीडियो बनाने का, इसलिए बनाते हैं ब्लॉग वीडियो। क्या हो गया? तो गाइस ज्यादातर बड़े बड़े यूट्यूबर्स को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है कि उनके जो व्यूज है और रीच है ना, जो इम्प्रेशन है वो डाउन हो जाते हैं। सेम वही मेरे साथ हो रहा है इस पर। यार क्या ही बताऊं मैं, मतलब कुछ गलतियां होती हैं जो हम लोग नहीं मतलब सोते, हम फॉलो नहीं करते हैं, जिसके कारण यूट्यूब हमारे व्यूज को, रीच को, इम्प्रेशन को डाउन कर देता है। मेरे को लगता है वही मेरे साथ हुआ है। मैं क्या करता हूँ, मैं पहले डेली ब्लॉग अपलोड करा करता था, लेकिन अब मैं एक हफ्ते में, दो हफ्ते में या पूरा पूरा 10 दिन निकल जाते हैं ब्लॉग ही नहीं अपलोड कर पाता हूँ। यार क्या है ना कि सेम डे और घर पर बैठे बैठे ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता है, कुछ अच्छा ना दे पाओ तो मजा नहीं आता है ना। मतलब ब्लॉग के लिए ना डेली कंटेंट चाहिए, डेली नया नया आइडिया चाहिए, डेली टाइटल चाहिए, डेली थंबनेल चाहिए। बहुत ज्यादा टेंशन होती है क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं। बाकी मेरा सारा दिन तो घर बैठे निकल जाता है, क्योंकि दुकान है, दुकान पर भी बैठना पड़ता है, इस कारण मैं ब्लॉग नहीं बना पाता हूं। बाकी यार मेरे को कुछ आइडिया दो आप लोग, मैं कैसा थोड़ा ब्लॉग बनाऊं, थोड़ा सा बस हेल्प कर दो, मेरे ब्लॉग आइडिया बना दो कोई कि कैसे ब्लॉग बनाऊं, तो आप लोग बता दोगे थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। बाकी थोड़े से अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर भी कर दिया करोगे प्लीज। बाकी मेरे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ब्लॉग बनाने की है कि मेरा घर रोड पे है, मेन हाईवे पे, ये प्रॉब्लम है। थोड़ी देर भी ब्लॉग बनाओ तो पीते हैं, पीते गाड़ियां बहुत जाती है, इसके आवाज क्लियर नहीं आती, सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए बाय, टाटा, लव यू।